नमस्कार। आज का हमारा पाठ जो है ये माटी वाली जो कहानी है इसके शीर्षक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं जो चर्चा हम कर रहे हैं इस पर, और आप ड्राइव में सेव करके अपने नोट्स मुझे बता भी सकते हो कि हमने किस तरह से नोट्स तैयार कर रखे हैं, और आपके नोट्स को मैं अपने चैनल पर भी स्थान दूँगी, साथ ही आपका नाम भी उसमें प्रकाशित किया जाएगा। तो हमारा पहला ये जो प्रश्न है आज का हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें जो टिहरी बांध है उसमें जो लोग विस्थापित हो गए थे उन असहाय और गरीब लोगों की समस्या पर ध्यान दिया गया है। उनकी दयनीय दशा कितनी बुरी हो गई थी इस बात पे लेखक पूरा चित्रण करना चाहता है, और वहाँ से जो विस्थापित लोग थे उनकी समस्याएं थी, पीड़ाएं थी, और लोगों को समझना था और उनके प्रति जो सहानुभूति की भावना थी वही बना करके रखनी थी, और उन स्थापित जो विस्थापित लोग हैं उनको स्थापन करने में यानी कि पुनः उनका घर बसाने में मदद करनी चाहिए। कहानी के शुरू की बात करते हैं तो कहानी के शुरू में माटीवाली के जीवन पर और उसके काम पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया कि टिहरी नगर के लोगों के लिए माटी की क्या महत्ता है। माटी को वो लोग चूल्हा लीपने के लिए काम में लेते थे और माटीवाली उसी की कहानी है। उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती थी लोगों के चूल्हे और घरों की चमक जो थी उन्हीं से बरकरार रहती थी। लोगों का मिट्टी के सहारे ही जीवन चलता आया है, और वह औरत जो है मिट्टी को मामूली दामों पर बेचती थी, और इसके साथ साथ लोग उसे बस रोटी दे देते थे, खाने को थोड़ा बहुत सामान दे दिया करते थे। तो यानी कि दयनीय दशा जो है वो बहुत बुरी है। और लेखक ने फिर अंतिम भाग में, कहानी के अंतिम भाग में, टिहरी बांध पर बांध बनने के कारण और माटी वाली और गरीब लोगों को विस्थापित जो किया गया था, उनके घर उठा दिए गए थे, इस समस्या पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। लेखक ने बताया कि जिन लोगों की जमीन जायदाद नहीं है, जिनके पास पेपर्स नहीं हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या क्लेम करेंगे। उनके घरों से निकालने का सीधा अर्थ है उन्हें उजाड़ देना, यानी वो बिल्कुल उजड़ गए हैं क्योंकि उनके पास ना तो कोई क्लेम है ना कोई कागज़ है। अनपढ़ और गरीब आदमी के पास जमीन जायदाद तो होती नहीं, उसके कागज़ कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो तो कहीं पर भी रहना शुरू कर देते हैं, और सरकारी अधिकारी तो ज़मीन के कागज़ या प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं, और वह कहते हैं कि कागज़ दिखा दो, तो बुढ़िया माई के पास उसके कागज़ नहीं होते हैं। किंतु संबंध जो होता है उनका उस ज़मीन पर जहाँ वो सदियों से रहते आए हैं, तो उनका संबंध वहाँ से होता है, लेकिन उनके पास पेपर्स नहीं होते हैं, कागज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए उन्हें किसी कागज़ या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तो ऐसे ही रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे गरीब और मजदूर लोगों का क्या होगा, इसी प्रश्न को उठाना कहानी का मूल उद्देश्य है। तो आप कहानी का मूल उद्देश्य लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना होता है ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आपको पता है कि अभी जो समय चल रहा है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, देखो ज़रूरत के अनुसार बाहर जाएँ, और ज़रूरत हो तो घर ना रहे, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी ना जाएं। और सभी जानते हैं जो जो हमें सावधानियां इस बीमारी के समय पर बरतनी है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग घर पर होंगे और अच्छे से स्वस्थ होंगे, और तब तक के लिए हम जब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।